एल्प्स यूरोप की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। यहां के सीधे खड़े रॉक्स, घने जंगलों और फूलों से सजे मेडोज में रहते हैं कई सबसे शानदार क्रीचर्स। ये यूरोप के सबसे बड़े वाइल्ड इकोसिस्टम्स में से एक है, पर यहां रहने वालों के लिए जिंदगी उतनी आसान नहीं। यहां लगातार बर्फ की चादर जमी रहती है, गर्मियां बहुत कम और जानलेवा कंडीशंस की कोई कमी नहीं। इन सब से जूझते हुए यहां जिंदगी हर पल खतरे के साए में रहती है और सबसे टफ क्रीचर्स ही सरवाइव कर पाते हैं। सेंट्रल यूरोप में बसे एल्प्स फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रिया तक 8 कंट्रीज के 1200 किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर को घेरे हुए और लगभग 5000 मीटर तक की ऊंचाई छूने वाले एल्प्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी और ऊंची माउंटेन रेंजेस में से एक हैं। इसकी 100 से ज्यादा पीक्स 4000 मीटर से भी ऊंची हैं। एल्प्स सेंट्रल यूरोप के सबसे बड़े नेचुरल एरियाज में से एक हैं, जो आज भी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। बदलते सीजन्स और एल्टीट्यूड से तय करते हैं कि यहां कौन सी जिंदगी कहां पनपेगी। फिर भी यहां 30,000 से ज्यादा एनिमल स्पीशीज और 13,000 प्लांट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये कॉन्टिनेंट पर बायोडायवर्सिटी की सबसे शानदार जगहों में से एक है। भले ही एनिमल्स ने इन सुनसान और खूबसूरत लैंडस्केप्स में अपना घर बना लिया हो, पर यहां का खतरनाक इलाका और तेजी से बदलते मौसम अल्पाइन वाइल्डलाइफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और जिन एनिमल्स ने यहां बसने का रिस्क उठाया, उन्होंने सरवाइव करने के लिए खुद में कुछ बहुत ही शानदार अडेप्टेशंस किए हैं। ऐसा ही एक क्रीचर है जो इस बर्फीली दुनिया में मजबूती से अपने पांव जमाए हुए है। मीटर्स तक ऊंची रॉक फेसेस पर रहने वाले अल्पाइन आइबेक्स ने पहाड़ों की ऊंचाई के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया है। ये आइस एज में पाए जाने वाले क्रीचर्स में से हैं, जो हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया से यहां आए और आज लगभग हर अल्पाइन कंट्री में पाए जाते हैं। इनके हूफ्स ही वो टूल हैं जो इन स्टीप रॉक्स पर चलने में इनकी मदद करते हैं। ये हूफ्स बटे हुए हैं ताकि अलग अलग काम कर सकें, जिससे ये नैरो लेजेस पर भी सिर्फ एक टो से चल पाएं। इनके सॉफ्ट अंडरसाइड्स इंपैक्ट को कम करके मुड़ी हुई रॉक पर चलने के लिए ट्रैक्शन देते हैं। यहां जबरदस्त ठंड की वजह से पेड़ टिक नहीं पाते, इसलिए अल्पाइन आइबेक्स को जो भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिले उससे काम चलाना पड़ता है। फिर भले ही वो इन रॉक्स में चिपकी घासें और छोटी श्रब्स ही क्यों ना हो, विंटर्स में इनका हार्ट और मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है ताकि उनकी एनर्जी अच्छे से कंजर्व रह सके। ये दिसंबर और जनवरी के बीच
साल में एक बार ब्रीड करते हैं और दूसरी कई स्पीशीज की तरह यहां भी मेल को ब्रीडिंग के लिए अपनी डोमिनेंस साबित करनी पड़ती है। आइबेक्स के लिए उसे साबित करने का बस एक ही तरीका है, लड़ाई। सबसे ताकतवर आइबेक्स का पता लगाने के लिए ये आपस में भिड़ जाते हैं और लड़ाई में इनके हथियार होते हैं इनके 1 मीटर लंबे कर्व्ड हॉर्न्स। मेल्स 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंचे और वेट में 100 केजी से भी ज्यादा हो सकते हैं, जिसमें से 15 केजी वेट सिर्फ हॉर्न्स का ही होता है। अपनी पिछली टांगों पर उछलकर ये अपना सारा वेट बहुत फोर्स के साथ अपने ओपोनेंट पर आजमा सकते हैं। चैलेंजर समझ गया कि वो यहां नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपनी हार मान ली और चला गया। पर ये खाली हाथ नहीं लौटा है। जो मेल आइबेक्स हर साल ऐसी जबरदस्त इंटेंस फाइट्स में हिस्सा लेते हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है। बहुत से बड़े हर्बीवोर्स के लिए 8 साल के बाद सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है, पर अल्पाइन आइबेक्स 13 साल की उम्र तक बिना किसी एजिंग प्रॉब्लम के आराम से जी सकते हैं। फीमेल्स मेटिंग के लिए रेडी हो उससे काफी पहले ही ये अपनी रटिंग टैक्टिक से अपनी डोमिनेंस तय कर लेते हैं। इससे इन्हें हर एक फीमेल के लिए लड़ने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती और बाकी आइबेक्स को पता चल जाता है कि डोमिनेंट मेल कौन है, और जब वक्त आता है तो इस मेल को मेटिंग के लिए तैयार करीब 10 फीमेल्स के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। एल्प्स के दूसरे इलाके में बात जब ब्रीडिंग के हक की हो तो ताकत की जगह फुर्ती काम आती है। आइबेक्स की तरह मेल एल्पाइन शैम्बा भी फीमेल्स के झुंड में शामिल हो गए हैं। अपने भारी भरकम कजिन्स आइबेक्स के मुकाबले इन 50 केजी वेट वाले शैम्बा के हॉर्न्स करीब 20 सेंटीमीटर के होते हैं, पर बात जब ओपोनेंट को भगाने की हो तो ये जोशीले जानवर सबको पीछे छोड़ देते हैं। इस मेल ने गलत इलाके में कदम रख दिया है। शैमुआज बहुत तेज दौड़ते हैं और हवा में 6 मीटर तक उछल सकते हैं। ये किसी भी टेरेन पर 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक पहुंच सकते हैं। ये खड़ी ढलानों पर कई 100 मीटर तक अपने दुश्मन का पीछा कर सकते हैं, जब तक उसे तसल्ली ना हो जाए कि ओपोनेंट अब फीमेल से बहुत दूर जा चुका है। क्योंकि ये आइबेक्स की तरह पहले से डोमिनेंस तय नहीं करते, इसलिए इन्हें इन 2 महीनों तक अपनी टेरिटरी डिफेंड करनी पड़ती है। इसमें काफी एनर्जी वेस्ट होती है, पर शैम्बा के पास इसका भी सॉल्यूशन है। ये अपने ओपोनेंट्स को भगाने के बाद बचे हुए टाइम का 90% टाइम आराम करते हुए बिताता है और बहुत जरूरी होने पर ही एनर्जी यूज करता है, ताकि माउंटेन्स पर यह भी रिप्रोडक्टिव लाइफ के मजे उठा सके। नवंबर से लेकर अप्रैल तक
साल के इन 6 महीनों के दौरान एल्प्स बर्फ की सफेद चादर में छिप जाते हैं। यहां बर्फ की चादर का 2 मीटर ऊंचाई तक जमा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें एक इंसान तक ढक सकता है। ऊंची चोटियों पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और विंड की स्पीड 250 किलोमीटर पर आर तक पहुंच सकती है। लेकिन एल्प्स के कुछ एनिमल्स के लिए ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना भी फायदेमंद साबित होता है। ग्रे वुल्फ को बर्फ के इस चादर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अडेप्टेबल होते हैं और हर तरह के टेरेन्स और कंडीशंस का सामना करने वाला ये मैमल कभी सबसे ज्यादा पाया जाता था। आज ये कुछ एल्पाइन कंट्रीज के छोटे इलाकों में पाए जाते हैं, जिसमें फ्रांस और इटली सबसे ऊपर हैं, और नॉर्दर्न यूरोप के बड़े हिस्से भी इनका घर हैं। कॉलोनीज में रहने वाले अपने नॉर्थ अमेरिकन कजिन्स से अलग, अल्पाइन वुल्व्स 6 मेंबर्स के छोटे झुंड में रहते और शिकार करते हैं और करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी पर अपना होल्ड जमाए रखते हैं। वुल्व्स की सूंघने की ताकत जबरदस्त होती है, इंसानों से करीब 100 गुना तेज, जिससे ये अपने शिकार को लगभग 3 किलोमीटर दूर से भी सूंघ सकते हैं। और इन्हें शिकार की खुशबू आ गई है। रोडियर पूरे अल्प्स के जंगलों में घूमते हैं और यहां पाए जाने वाली डियर की बाकी स्पीशीज के मुकाबले अकेले रहना पसंद करते हैं। वुल्फ्स अपने किसी भी शिकार का कई किलोमीटर्स तक पीछा करते हैं। एक साथ मिलकर काम करना झुंड की कामयाबी का राज है। वो शिकार के पास पहुंच चुके हैं। ये डियर अकेला और मुसीबत में है। मोटी बर्फ की चादर पर इसके पतले हूप्स किसी काम नहीं आ रहे। वो बर्फ में धंस रहा है और आगे नहीं निकल पा रहा। अपनी नजर और पहुंच में आते ही वुल्फ्स ने उस पर हमला कर दिया। इनके स्नो शू जैसे पैर इनके वेट को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे ये शिकार की ओर 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ग्लाइड कर लेते हैं। शिकार के पास बचने का कोई चांस नहीं। झुंड पर डोमिनेंट वुल्फ का राज होता है, जो खाने के वक्त भी अप्लाई होता है। गुर्राना और दांत किटकिटाना ही झुंड में पोजीशन स्ट्रॉन्ग करता है। डोमिनेंट वुल्फ को खाने का पहला चांस मिलता है, चाहे शिकार किसी ने भी किया हो। पर आखिर में सबको उनके हक का जरूर मिलता है। वुल्फ्स को रोज लगभग 3 से 5 किलो मीट की जरूरत पड़ती है। पर जब विंटर में शिकार कम हो जाते हैं तो वुल्फ्स खाने की कमी के चलते 2 हफ्ते तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं। एल्प्स में हर लिविंग थिंग को विंटर्स में इन मुश्किल महीनों में सरवाइव करने के लिए खुद को अडेप्ट करना पड़ता है। फ्रेंच और इटालियन एल्पाइन रीजन्स के बीच खड़ी
वेस्टर्न यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है मोंट ब्लांक। लगभग 5000 मीटर ऊंची ये चोटी इस माउंटेन रेंज में शान से खड़ी है। इसकी चोटी रॉक से नहीं बनी बल्कि बर्फ के लगातार जमने से बनी है, जिसकी मोटाई साल दर साल घटती बढ़ती रहती है। पर इतना बड़ा होने के बावजूद मोंट ब्लांक इस पूरी माउंटेन रेंज का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही है। एल्प्स यूरोप के सरफेस का 11% हिस्सा कवर करते हैं, जो पोर्चुगल के साइज का दुगना है। जहां देखने में बर्फ की सफेद चादर खूबसूरत लगती है, वहीं ये नेचर की सबसे पावरफुल फोर्स भी बन सकती है। एक साल में एल्प्स के कुछ हिस्सों में 10 मीटर से भी ज्यादा बर्फ गिर सकती है। जब भारी बर्फ का बहाव स्नोपैक की कमजोर अंडरलेयर्स पर जाकर जम जाता है तो उनका लोड स्लोप्स को खतरनाक बना देता है। हर साल एल्प्स में हजारों एवलांचेस आते हैं। स्लोप के वीक पॉइंट्स पर जमा बर्फ टूट जाती है और लाखों टन बर्फ 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। एक एवलांच 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देता है। अपने आसपास होने वाले हंगामे से बेखबर रहते हैं। बर्फ की इन परतों के नीचे छुपा है एक एनिमल, जिसके पास विंटर में सरवाइव करने की शायद सबसे शानदार स्ट्रेटजी है। खाना ना मिले तो सो जाओ। पूरे एल्प्स में पाए जाने वाले एल्पाइन मामट विंटर के 6 से ज्यादा महीने अंडरग्राउंड बरोज में हाइबरनेट करते हुए गुजार देते हैं। इस दौरान इसकी बॉडी एनर्जी कंजर्व करने के लिए अडेप्ट हो जाती है। इसका बॉडी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, हार्ट रेट 85% कम हो जाता है और ये 1-2 मिनट में बस एक ही बार सांस लेता है। पर अप्रैल में जब बर्फ पूरी तरह से हट भी नहीं पाती, ब्रेन एक्टिविटी में और हार्मोन प्रोडक्शन में आए चेंजेस इन्हें उठने का इशारा कर देते हैं। सबसे पहले मेल्स बाहर निकलते हैं। ऊपर अपनी फैमिली का इंतजार कर रहे इस मामट पर खतरा मंडरा रहा है। इन प्रेडेटर्स ने भी कई दिन से खाना नहीं खाया। आने वाले महीनों में सरवाइव करने के लिए मामट्स को बहुत अलर्ट रहना होगा। लगभग साल भर बर्फ से ढके रहने और लो टेम्परेचर्स की वजह से एल्प्स के हाई एल्टीट्यूड्स पर फूलों और पेड़ों की ग्रोथ रुक गई थी, पर स्प्रिंग के आने से प्लांट्स को नई जिंदगी मिल गई है। वो आने वाले कुछ महीनों में इन ग्रोइंग कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएंगे। सबसे पहले निकलने वाला यह प्लांट है एल्पाइन क्रोकस। बर्फ से ढकी जमीन पर निकलने से पहले इसका सबटेरेनियन बल्ब इसे सर्द महीनों के दौरान डोमिनेंट कंडीशन में रखता है। माउंटेन साइट्स पर बदलते एल्टीट्यूड्स प्लांट लाइफ की अलग अलग जोन्स बना देते हैं। यहां पे एक तरह की बाउंड्री बनी हुई है। एक तरफ जहां पेड़ों के उगने के लिए टेम्परेचर्स बहुत लो हैं,
वहीं उनकी जगह छोटे श्रब्स और फ्लावर्स अच्छे से ग्रो करते हैं। इस ट्री लाइन के नीचे उगता है यूरोप का इकलौता डेसिडुअस कॉनिफर ट्री, लार्ज, बाकी कॉनिफर से अलग, जो अपनी नीडल्स नहीं गिराते। लार्ज खुद को बर्फीले अल्पाइन विंटर क्लाइमेट से बचाने के लिए अपनी नीडल्स गिरा देते हैं, फिर स्प्रिंग में इनकी ब्रांचेस पर नए बड्स आ जाते हैं। इसकी लाइट और ड्रेन सॉइल्स की डिमांड देखते हुए ये कहना सही होगा कि जहां भी लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस ने तबाही मचाई है, वहां ये सबसे पहले उग जाएगा। टेम्परेचर्स बढ़ने के साथ ही पिघलती बर्फ ने पहाड़ की स्ट्रीम्स को दोबारा भर दिया। स्प्रिंग के दौरान लाखों टन पिघला हुआ पानी एल्प्स की वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है और बाद में यही पानी यूरोप के कुछ मेजर रिवर्स में भी जाएगा, जैसे कि राइन और डैन्यूब, और फिर आखिर में नॉर्थ और ब्लैक सीज में जाकर मिल जाएगा। अगर मौसम में ये चेंजेस ना हो और विंटर से राहत ना मिले तो यहां कुछ सर्वाइव नहीं करेगा। 6 महीनों तक अपनी बरों में नींद पूरी करने के बाद इस मेल एल्पाइन मामट की पूरी फैमिली उसके पास पहुंच गई है। प्रेरी डॉग के कजिन्स एल्पाइन मामट्स एल्प्स में सबसे बड़े रोडेंट्स हैं और ये डोमेस्टिक कैट जितने बड़े होते हैं। इनके एंसेस्टर्स नॉर्थ अमेरिका में 15 मिलियन ईयर्स पहले पाए गए, फिर वो लैंड ब्रिजेस के सहारे यूरोप आ गए। आज एल्पाइन मामट्स ने माउंटेन्स के इन्हीं घास के मैदानों में अपना घर बना लिया है और ये कार्पेथियन माउंटेन्स के कुछ हिस्सों और पूरे पेरिनीज में भी पाए जाते हैं। इनके सामने वाले इंसाइजर टीथ बड़े होते हैं और लंबे नुकीले पंजों वाली पावरफुल टांगे होती हैं, जो जमीन के नीचे बरोस खोदने के लिए परफेक्ट हैं। मेन बरों में घुसने के कई रास्ते होते हैं और अंदर बने चेंबर्स भी आपस में जुड़े होते हैं, जहां ये रेस्ट, हाइबरनेट और ब्रीड करते हैं। ये अंडरग्राउंड भूल भुलैया करीब 30,000 स्क्वायर मीटर्स की टेरिटरी में फैली हो सकती है, जो 3 फुटबॉल पिचेस के बराबर होती है। ये अपने इलाके को नेबरिंग फैमिली से बचा कर रखते हैं और जमीन पर चीक्स एंड ग्लैंड्स को रब करके बाउंड्रीज को दोबारा मार्क करते हैं। सुनने में इतनी बड़ी टेरिटरी लग्जूरियस लगती है, पर यह बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल फैमिली में ब्रीडिंग पेयर के साथ साथ पिछले 2 सालों में हुए उनके बच्चे भी रहते हैं, मतलब एक यूनिट में करीब 20 मामट्स तक रह रहे होते हैं। पर साथ रहने में ही सेफ्टी है, क्योंकि इन ऊंचे माउंटेन्स पर अलर्ट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेंट्रीज बारी बारी से नजर रखते हैं। जबकि बाकी मार्मोट्स अपने रोज के कामों में जुट जाते हैं। सोशल बॉन्ड्स बनाए रखने के लिए फैमिली में इंटरैक्शंस के कई मौके आते हैं और हर शैतान बच्चे की तरह मामट के बच्चे भी मस्ती करने और उछल कूद मचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मेल्स प्रैक्टिस के लिए प्ले फाइटिंग करते हैं। 1 साल में ये भी फैमिली से दूर अपनी टेरिटरी की तलाश में निकल जाएंगे। इनका यह सीखना बहुत जरूरी है ताकि कल को कोई ओपोनेंट इनके इलाके में घुस आए तो ये उसे भगा सकें। पर ये बच्चे अपनी मस्ती में इतने खो गए हैं
किने आसपास की कोई खबर नहीं। ये लगातार निशाने पर हैं। यहां के आसमान पर गोल्डन ईगल का राज है। 150 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा इलाका इसकी पहुंच में है, जो 5000 मार्मट टेरिटरीज के बराबर है। ये फीमेल खाने की तलाश में है और इसमें खूबियां भी बहुत हैं। इसकी आईसाइट इंसानों से 8 गुना ज्यादा बेहतर होती है और फील्ड ऑफ विजन 300 डिग्रीज। इसकी नजर से कुछ नहीं बचता। इसे मौका मिल गया। दो मीटर के विंग स्पैन की वजह से यह हवा में आसानी से उड़ लेती है। अचानक निगरानी का रहा मामट हरकत में आ गया और वो जोर से आवाज करके दूसरों को छुपने के लिए वार्न करने लगा। पर बच्चे बहुत दूर निकल गए हैं और अपने बरोस तक पहुंचने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। करीब पहुंचते वक्त इस एरियल प्रेडेटर की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से भी तेज हो सकती है। इस छोटे मामट के बचने का कोई चांस नहीं। गोल्डन ईगल्स को हर दिन 250 ग्राम्स खाने की जरूरत पड़ती है। लगभग 2 किलो के मामट से इसके एक हफ्ते के खाने का इंतजाम हो गया। ये नेचर की कड़वी सच्चाई है, पर मामट्स के बिना शायद यहां बहुत कम ईगल्स नजर आएंगे। एल्प्स के इस पार गोल्डन ईगल के करीब 1200 ब्रीडिंग पेयर्स हैं। ये ट्री लाइन के नीचे क्लिफ रॉक पर नेस्ट बनाते हैं। ईरी कहा जाने वाला इनका ये मजबूत स्ट्रक्चर कई साल तक टिके रहने के लिए बना है और 3 मीटर तक चौड़ा हो सकता है। मेल्स और फीमेल्स दोनों मिलकर बच्चे पालते हैं। ये फीमेल अपने भूखे बच्चे के लिए अभी शिकार किए मामट को नेस्ट में लेकर आई है। हैचिंग से पहले यह बच्चा करीब 45 डेज तक अंडे में था। सॉफ्ट फेदर्स इस खुली जगह पर इसे हाई विंड से इंसुलेट करते हैं। इस नेस्ट में इसके और साथी भी होंगे, पर ईगल सोसाइटी में पहले दिन से ही भाई बहनों में कंपटीशन शुरू हो जाता है। अलग अलग समय पर हैच होने का मतलब है कि एक ही फैमिली के बड़े और स्ट्रॉन्ग ईगल्स अपने छोटे भाई बहनों को मार डालते हैं। इसलिए अब इस बच्चे को अपने पेरेंट्स के लाए शिकार को किसी और के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। यह अभी 1 महीने का है और इसके पंख निकलने में 6 हफ्ते बाकी हैं। इसके बाद ही यह अपनी आजाद जिंदगी अपनी शर्तों पर जी पाएगा। एल्प्स उस माउंटेन रेंजेस के एक बैंड का हिस्सा हैं, जिसे एल्पाइन बेल्ट कहते हैं, जिसमें कार्पेथियंस और हिमालयस शामिल हैं। एक बड़ी तबाही के दौरान यह बेल्ट बनी। ये तब बने जब करोड़ों साल पहले अफ्रीका यूरोप से टकराया, जिसकी वजह से इनके बीच में फैले एंशियंट टेथिस सी के बेड से रॉक की जायंट स्लैब्स ऊपर उठाई।
आखिरी आइस एज के ग्लेशियर्स ने इन माउंटेन्स को और काटकर और ढालकर आज के एल्प्स का रूप दे दिया। आज भी अर्थ के क्रस्ट की प्लेट्स आपस में लगातार टकरा रही हैं। हर साल इनकी हाइट 1 मिलीमीटर और बढ़ जाती, पर हवा, पानी, ग्लेशियर्स और रॉक फॉल से होने वाला इरोजन इसे रोक देता है। एक क्रीचर को इन खतरनाक कंडीशंस का सामना करने में मजा आता है। एल्पाइन चर्फ कॉमन क्रो का कजिन है और एल्प्स पर 3000 मीटर्स तक के एल्टीट्यूड्स पर हर जगह देखा जा सकता है। हिमालयस जैसी हाई माउंटेन रेंजेस पर ये 6.5 किलोमीटर ऊपर नेस्ट बना सकते हैं और सी लेवल से 8000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ भी सकते हैं। लोअर हाइट्स पर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जंगल की घनी बेल्ट्स हैं। स्प्रिंग के आने से यहां का एनवायरनमेंट खूबसूरत हो गया है। माउंटेन्स के इन्हीं ऊंचे इलाकों में एनिमल्स की बहुत सी स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें यूरोप की सबसे बड़ी कैट भी शामिल है। बेयर्स और वुल्व्स के बाद करीब 40 केजीस का यूरेशियन लिंक्स यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा प्रेडेटर है। यह शानदार एनिमल अकेले रहना पसंद करता है और लगभग हर एल्पाइन कंट्री के किसी ना किसी इलाके में पाया जाता है। मेल्स की टेरिटरीज 400 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैली हो सकती है। ये फीमेल्स की टेरिटरीज के साथ ओवरलैप तो करती है, पर मेटिंग सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही होती है। अपने बड़े पंजे और शार्प क्लॉस से ये आसानी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। यही इनके छुपकर रिलैक्स करने की जगह भी है और ऊंचाई से शिकार पर नजर रखना आसान होता है। इसे रोज 2 किलो मीट की जरूरत होती है और इस वक्त यह खाने की तलाश में ही है। इसके टफ्टे डियर्स हल्की सी हलचल भी आसानी से पकड़ लेते हैं। इसकी आंखें खास तौर से तेज होती हैं और 75 मीटर दूर से छोटे जानवर को देख लेती हैं। बड़े शिकार छुपे नहीं रह पाते। खासकर जब उन्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना हो। सर्दियों के 6 महीने बाद स्प्रिंग ने एल्प्स के स्लोप्स पर शैमवा के झुंड में नई जान डाल दी है। फीमेल्स और उनके बच्चे 30 मेंबर्स के झुंड में रह सकते हैं। नॉर्मली उनका एक बच्चा होता है जो जन्म के फौरन बाद बस अपनी मदर को फॉलो करता है। ये फीमेल एवलैंच से बर्बाद हुए लैंडस्केप्स पर चढ़ गई ताकि अपने बच्चे के लिए मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए खाना ढूंढ सके। बच्चा शुरू के 3 महीने इस प्रोटीन से भरपूर डाइट पर डिपेंड करता है, उसके बाद ही वो सॉलिड फूड खा सकता है। बच्चे को अपनी मदर को फॉलो करना ही पड़ता है, पर इस रफ टेरेन पर उसके पैर टिक नहीं पा रहे, जिससे एक खतरनाक छुपे हुए शिकारी को बेहतरीन मौका मिल गया। यूरेशियन लिंक्स पास के मेडोज में पाए जाने वाले शैमवा जितना तेज और फुर्तीला नहीं होता, लेकिन आसपास के जंगल को छिपने के लिए यूज करके वो अपने शिकार की ओर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये बच्चा बहुत ही आसानी से शिकार बन सकता है।
लेकिन एक अलर्ट मदर ने खतरा भांप लिया। डेंजर महसूस करते ही मदर और बेबी उसकी पहुंच से दूर भाग जाते हैं। यूरेशियन लिंक्स को एल्प्स में अपना खाना हासिल करने में कभी कभी 3 दिन भी लग सकते हैं। इस शिकारी ने आसानी से अपनी हार मान ली और अब ये अपनी एनर्जी बचाकर अगले मौके की तलाश में लगा है। एल्प्स के बनने के बाद से एक बर्फीली फोर्स की वजह से वो लैंडस्केप्स बने जिसे आज हम देखते हैं। ग्लेशियर्स, पूरे एल्प्स में 5,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं जिनका टोटल एरिया 3,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। वो हाई एल्टीट्यूड्स में बनते हैं जहां बर्फ पिघलने से पहले गिरने लगती है। समय के साथ धीरे धीरे कंप्रेस होने की वजह से जो बर्फ बनती है वो लगभग 1 किलोमीटर थिक हो सकती है। हमारी आंखों को ये जायंट स्ट्रक्चर्स एकदम रुके हुए दिखाई देते हैं, पर सच्चाई इससे ऑपोजिट है। यहां तक कि फ्रीजिंग एल्टीट्यूड्स पर भी उनका वेट बर्फ पिघलाने के लिए काफी प्रेशर डालता है, जिससे ग्लेशियर के नीचे पानी की एक पतली फिल्म बन जाती है, जिसकी वजह से बर्फ माउंटेन साइड के नीचे एक दिन में करीब 1 मीटर की स्पीड से फिसलती है। इस मूवमेंट की वजह से ग्लेशियर के सरफेस पर कई जगह दरारें हो जाती हैं, जो 50 मीटर्स तक गहरी होती हैं। जैसे ही यह आगे बढ़ती है, यह रॉक और बोल्डर्स को ग्लेशियर के नीचे से चीर देती है। आखिरकार ये उस मलबे को जमा कर देती है जिसे मोरेन कहा जाता है, जो कभी कभार अपनी ओरिजिन से कई किलोमीटर दूर होता है। हजारों सालों से इन ग्लेशियर्स ने जो चेंजेस किए वो बहुत जबरदस्त और अलग हैं, और ये इस लैंडस्केप में होते रहेंगे। और पीछे रह गई चौड़ी वैलीज और कई किलोमीटर लंबी ग्लेशियर लेक्स, जिसमें एक और एनर्जेटिक वाटर फीचर शामिल है। ऑस्ट्रियन एल्प्स में लगभग 400 मीटर ऊंचा क्रिमिल वाटरफॉल इस इलाके में सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। लाखों सालों से होती आ रही टेक्टोनिक शिफ्ट्स और ग्लेशियल एक्टिविटी से यह एक 3-tiered मास्टरपीस में बदल गया है। आज क्रिमिल ग्लेशियर से पिघला पानी 20 किलोमीटर नीचे वैली तक सफर करने के बाद फॉल्स तक पहुंचता है। हर दिन लगभग 500 मिलियन लीटर पानी नीचे गिरता है, जो ओलंपिक स्विमिंग पूल के वॉल्यूम से करीब 200 गुना ज्यादा है। यह इतनी फोर्स के साथ नीचे गिरता है कि हार्ड ग्रेनाइट भी लगातार कटता और शेप लेता रहता है, जिससे वेविंग रॉक्स और चर्न होल्स बन जाते हैं। यह पानी टकराने पर स्मॉल पार्टिकल्स में बढ़ जाता है, जिससे फॉल फाइन मिस्ट में ढक जाता है। यह कभी ना खत्म होने वाला इरोजन माउंटेन साइड को काटता हुआ स्टीप गॉर्ज बना देता है, और इस वजह से वॉटरफॉल अपने ग्लेशियल सोर्स की तरफ हर दिन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। समर में सारे क्रीचर्स को बहुत खाना मिलता है, और इस वजह से हाई पैश्चर के लैंडस्केप्स में बदलाव आते हैं। एल्प्स में लगभग 4,500 प्लांट स्पीशीज हैं, जिसमें से करीब 8% एल्प्स के सिवा कहीं और नहीं मिलती। जून में स्प्रिंग फ्लोरा की जगह वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं,
जिससे ग्रीन पैस्चर्स में बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। कुछ जगह प्लांट्स की 80 स्पीशीज तक एक टेनिस कोर्ट के आधे साइज में ग्रो हो सकती हैं, जिससे हजारों इंसेक्ट्स खींचे चले आते हैं। हनी बीज अब अपने हाइव को भरने में जुटी हैं। पोलन डेवलपिंग लार्वे को न्यूट्रिशियस प्रोटीन देते हैं, जबकि शुक्री नेक्टर में मिनरल्स और ग्लूकोज होता है, जो विंटर में हनी बनाने में मदद करता है, जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हनी बीज हाइबरनेट नहीं करती, पर 15,000 की कॉलोनी पूरे विंटर में हाइव के बीच में काम करती है, ताकि अपनी क्वीन को जिंदा रख सके। क्वीन के आसपास वे एक क्लस्टर बनाती हैं और लगातार घूमने से उसे गर्मी मिलती है, पर एनर्जी बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा हनी की जरूरत होती है। कॉलोनी को सरवाइव करने लायक हनी बनाने के लिए हर साल 120 केजीज नेक्टर की जरूरत होती है, जो शुगर के 60 बैग्स के बराबर होता है। मेडोज से होकर बहने वाली माउंटेन स्ट्रीम्स गर्मियों में जरूरी पानी देती हैं। घर जाने से पहले निगला हुआ पानी बीज अपने गट में रखती हैं। लार्वे के ब्रूट्स और अंडों की एक पतली फिल्म में कोटिंग करके वो पानी से अपने हाइव को ठंडा करती हैं। किसी अच्छी तरह ट्रेन्ड आर्मी की तरह वो अपने मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट करती हैं। बीज की तादाद कॉलोनी की जरूरतों पर डिपेंड करती हैं, और अब जल्द ही खाना खोजने का मिशन शुरू होने वाला है। लेकिन इस फ्लोरल स्पेक्टेकल के लिए उनका मुकाबला मर्मट से है, जो अपने बरोस से बाहर निकल आए हैं। उनकी डाइट में 80% फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं। स्प्रिंग के दौरान वो रूट्स और शूट से काम चला लेते हैं, पर बहुत कम वक्त के लिए आई गर्मियों के दौरान उन्होंने पेट भर के नए आए फ्लावर्स को खा लिया है। वो बड़े और मोटे फोलियज ही चुनते हैं, ताकि विंटर के लिए उनका वजन बढ़ सके। उनका सर्वाइवल इसी पर टिका है। होशियार मर्मट्स 4.5 किलो के होकर अपने बरोस जाते हैं, और फिर भी विंटर के दौरान उनका 30% से ज्यादा बॉडी वेट घट जाता है। जो इतने हट्टे कट्टे नहीं होते वो हाइबरनेशन के दौरान बच नहीं पाते। लेकिन ऑटम आ रहा है और मौसम बदल रहा है। बरो बनाने के लिए अब काफी कम समय बचा है। घास उनके लिए सबसे सही मैट्रेस है। नेचुरल लॉन मूवर्स की तरह वो मेडोज को संवारते हैं और जितना हो सके अपने मुंह में भर लेते हैं। अक्टूबर आते ही और उनके फैट रिजर्व्स फुल होते ही मर्मट्स सर्दियों के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं। एक और साल बीत चुका है, और फैमिली के एक मेंबर को खोने के बाद एक बार फिर वो अपने बरों में शांति से रह सकते हैं। एल्प्स सेंट्रल यूरोप के सबसे बड़े अनछुए वाइल्ड एरियाज में से एक हैं। यह ऐसी जगह है जहां वाइल्ड लाइफ बहुत मुश्किल है।
जंगल की गहराइयों से लेकर आसमान छूती चोटियों की ऊंचाइयों तक लाइफ ने मुश्किल कंडीशंस में खुद को अडेप्ट करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। यहां रहने वाले कुछ एनिमल्स बिना डरे घूमते हैं, जबकि दूसरे अपने आप को छुपा लेते हैं। जियोलॉजिकल वंडर्स शानदार लैंडस्केप्स बनाते हैं, लेकिन कुछ फोर्सेस अपने पीछे छोड़ जाती हैं सिर्फ तबाही।